लेकिन हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, अपनी कथा से वंचित मत कर। सुखदेव जी रोते रोते वो सुख कहता है, देखो संस्कृत में तोते को सुख कहते हैं, वो रोते रोते कहते हैं कि प्रभु पक्षी की योनि दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी कृपा कर दो प्रभु, इतनी कृपा कर दो प्रभु कि जैसे माता हुकरा भर रही है मैं भी हुकरा भरने लगूं। यहां सुखदेव जी से एक सीख हम सबको सीखनी चाहिए। वो पक्षी होने के बाद भगवान की कथा से वंचित होने पर रो रहे हैं, हम मनुष्य होकर के नहीं सुनते, वो पक्षी होने पर सुन रहे हैं। प्यारे, आज मेरे ठाकुर जी की इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने कृपा की और जैसे माता हुकरा भर रही थी ऐसे सुख हुकरा भरने लगे और बाबा अपनी कथा को सुनाने लगे। और जब 7 दिन पूरे हुए और जब बाबा की निंद्रा, जब बाबा ने जब कथा को विश्राम दिया तो बाबा ने जयकारो लगायो, बोले भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया की नींद खुल गई। अब मैया तो 4th-5th दिन पे सोई थी, बोले नंद के आनंद भयो, बोले हाँ, और कहा, बोले कथा पूरी होगी तुम नंद के आनंद पे बैठे हो। गौरा मैया बोले तुम्हें भांग का नशा तो नहीं चढ़ गया? बाबा बोले जितना मुझे भांग का नहीं, जितना तुझे नींद का नशा है उतना मुझे भांग का नहीं। सो गई थी क्या? बोले हाँ, आंख लग गई थी। गौरा, अगर जब तुम सो गई थी तो हुंकरा किसने भरे, किसने कथा सुनी? और जब बाबा ने अपनी पीठ के पीछे देखा तो वो तोते का बच्चा अभी भी रो रहा है। अब उसे दुख किस बात का है कि आज मैं भगवान की कथा से भी वंचित हो गया, आज कथा पूर्ण हो गई, अब कैसे मैं जीऊंगा इन 7 दिनों में? मैंने जो जीवन जिया है अब मुझे आदत पड़ गई है इस कथा की। देखो भैया, आजकल हम एक कथा सुन लें, दो सुन लें, कोई टीवी पर सुनाए तो कहता है कि कितनी सुने, कितनी सुने, रोज होती है। लेकिन भागवत में लिखा है सदा सेव है, सदा सेव है, कि जब तक जीवन रहे तब तक सुनते रहो, क्योंकि जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। सदा सेव, सदा सेव, सुनते रहो, सुनते रहो, और जितना सुनोगे उतना आनंद आएगा ठाकुर जी की कथा सुनने का। बंधुओं, आज ठाकुर जी की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को जब सुखदेव जी ने सुना तो बहुत रोते हैं, लेकिन भोले बाबा उनको देखकर कहते हैं कि गौरा देख, तुम तो जगदम्बा होकर ना सुन पाई, ये पक्षी होकर के सुन गया, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। बोले क्यों? बोले इसने अधर्म के साथ कथा को सुना है, छल कपट से सुना है। बोले मतलब? बोले इसने मेरी पीठ के पीछे बैठ के कथा सुनी है, अगर ये मेरे सामने बैठकर कथा सुनते तो मैं इनसे कुछ नहीं कहता, इन्होंने मेरी पीठ के पीछे बैठ के कथा सुनी है। आप सब ज्ञात थोड़ा समझे कि भगवान श्री नारायण ने जब विराट रूप बना करके सृष्टि की रचना की तो धर्म भी बनाया और अधर्म भी, तो धर्म तो भगवान के सीने से प्रकट हुआ और अधर्म भगवान की पीठ से निकला है। यहां सुखदेव जी ने अधर्म किया पीठ के पीछे कथा सुन करके। कभी भी भगवान की कथा हमारे घर में हो या इतने बड़े पंडाल में हो, हमेशा भगवान की कथा भगवान के सामने पंडित ब्राह्मण के सामने बैठ के सुननी चाहिए, ना कि पीठ के पीछे सुननी चाहिए। पीठ के पीछे कथा सुनने वाले अधर्म करते हैं, पाप करते हैं। और सुखदेव जी महाराज अपने तोते के शरीर को वहीं त्याग देते हैं और तोते के शरीर को त्याग करके अपनी अंतर आत्मा से हवा में उड़ते हैं और पीछे पीछे भोले बाबा हाथों में त्रिशूल लेकर जाते हैं, कहते हैं सुख रुक जा, हे सुख रुक जा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तोते का शरीर छोड़ दिया, आत्मा से उड़कर गए और वो उनकी अंतर आत्मा उड़ती हुई बद्रीनाथ धाम में पहुंची है। और बद्रीनाथ धाम में संप्रयास नदी के किनारे एक कुटिया है और उस कुटिया में वेद व्यास जी रहते हैं। कौन रहते हैं? वेद व्यास जी और उनकी पत्नी है विकिटा देवी, जो बीटिका देवी अपने केश सुखा रही है। और जब वो केश सुखा रही थी तो जमाई आई और जमाई के लिए जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला तो वो तोते की अंतर आत्मा मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। बोलो राधे 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 राधे। मानो या दो काम हो गए, भागवत भी धरती पे आ गई और भागवत को कहने वाले प्रथम वक्ता सुखदेव जी भी धरती पर आ गए। और व्यास जी की कुटिया पर भोले बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए कि ये जब जन्म लेगा इसे मृत्यु देकर ही जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। बंधुओं 9 महीने बीत गए लेकिन यहां पर अभी तक सुखदेव जी ने जन्म ही नहीं लिया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 9 साल बीत गए, 10 हो गए, 11 हो गए और जब 12 साल होने को आए ना तब तक सुखदेव जी ने जन्म ही नहीं लिया। अपनी मां के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। कितने साल तक? क्यों, बाबा का डर था क्या? बोले नहीं, बोले उन्होंने भागवत कथा को सुन करके अपने आप को सोच लिया कि क्या जन्म लेना क्या मरना, वो तो मां के गर्भ को ही मंदिर बना के रहने लगे। बोले मैं तो यही जीवन गुजार लूंगा।